अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि SSC, रेलवे, CTET, UPTET और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जाम री एग्जाम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप करें। गाइज आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर एग्जाम हो रहा है, क्या करें स्टूडेंट, अब करें तो क्या करें। केवल सिवाय एग्जाम देने के इंतजार करने के उसके पास कुछ नहीं है। एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू डेज, नेक्स्ट फाइव डेज, वन वीक के अंदर पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक है, पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद या साल भर बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैंसिल होने वाला है। सारी उम्मीदें, सारी होप, सारी जो सपने होते हैं सारे एकदम से धराशायी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा एक पूरी मेहनत के साथ, एक पूरे जज्बे के साथ अपनी तैयारी को करता है, उसकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं उस एक एग्जाम से, क्लियर। लेकिन पता क्या चलता है कि पहले तो वो वहां खत्म हो जाता है जब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये प्रोसेस कैंसिल नहीं हुआ तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने पैसे देकर, एक मोटी अच्छी खासी रकम देकर पेपर खरीद लिया है या अपना कोई जुगाड़ फिट कर लिया है सरकारी नौकरी लेने के लिए, ठीक है। अगर उस वक्त पेपर कैंसिल नहीं होता है तो और कुछ समय बाद जब पेपर कैंसिल की न्यूज आती है तो भी उसकी बहुत सारी आशाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी होप वो बना लेता है। तो कुल मिलाकर अगर देखूं तो मैं हर तरफ से एक ऑफर एक स्टूडेंट की ही होनी है। एग्जाम होने से पहले एग्जाम की तैयारी करना आसान बात नहीं है, पढ़ाई करना आज की डेट में इतना आसान नहीं है, पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना इतना आसान बात नहीं है, ठीक है। हर कोई कर ले वरना, है ना, ये लाखों की करोड़ों की भीड़ ऐसे ही नहीं है, एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। उस लाइन में खड़े तो हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आपका नंबर कब आना है, एक भीड़ है। तो जब एग्जाम होता है एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन करना, एग्जाम वाले दिन भाग दौड़ करके अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचना कि सर हां मैं आ गया हूं, गेट मत बंद करो, मैं टाइम से पहले अंदर आ चुका हूं, गेट मत बंद करो, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन झेलता है एक स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि मेहनत की है उस बंदे ने, मेहनत की है, अच्छा होगा पेपर, डेफिनेटली अच्छा होगा। और एग्जाम पेपर सेंटर से जब बाहर निकलता है तो वही अपना पुराना सिस्टम कि हाँ भाई तेरे कितने सही, मेरे कितने सही, इसका क्या आंसर, इसका यही चर्चा का विषय रहता है और घर पहुंचते यही चलता रहता है। लेकिन जब सुबह नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में सुनते हैं या फिर एग्जाम की न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं तो पता चलता है कि इस फलाने एग्जाम का SSC, रेलवे या ETC कोई भी एग्जाम है, आज की डेट में कोई ऐसा एग्जाम बचा है जो पेपर लीक ना होता हो? कोई न्यूज आपने ऐसी सुनी हो किसी पेपर के बारे में कि नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, आज क्या बोल रहे हैं आप कि एग्जाम तो कोई लीक नहीं होता है? ऐसा नहीं है, है ही नहीं कोई एग्जाम ऐसा कि जहां न्यूज निकलकर ना आती हो। और भाई न्यूज की बात तो यह है कि पकड़ा गया तो चोर और ना पकड़ा गया तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो एग्जाम के बारे में न्यूज आ जाती है उसको हम कह देते हैं कि यहां पेपर लीक है, वरना क्या पता कि कितने एग्जाम में कितनी धांधली चलती है। गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतती है जब वो इस तरह की सिचुएशन से गुजरता। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरा हूं, 2013 का पूरा एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया था, 2013 SSC CGL 2013 के पूरे एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया था। टीयर वन एग्जाम हो गया था, टीयर टू एग्जाम हो गया था, और टीयर टू एग्जाम के बाद, ठीक है, उसके भी 6 महीने बाद अप्रैल महीने जाकर इसको सेप्टेम्बर में एग्जाम हुआ, सेप्टेम्बर में एग्जाम हुआ था और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में इसको पूरी तरह से कोर्ट ने कहा पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए, दोबारा से इसको फिर टीयर वन टीयर टू टीयर
3 ETC आगे होगा। तो मैं समझता हूं क्योंकि मैं उस एज से गुजरा हूं, मैं उस कंडीशन से गुजरा हूं, ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, इसलिए गुस्सा आता है। तो अब इस ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे बनाए, क्योंकि मैंने भी अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने भी अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, मैं उस सेम सिचुएशन से गुजर कर आया हूं जो सेम सिचुएशन इस बार SSC CGL 2017 के एस्पिरेंट्स को भुगतनी पड़ रही है। तो होता क्या है भाई, एक स्टूडेंट कर क्या सकता है, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता तैयारी के अलावा, एक प्रिपरेशन के अलावा, क्योंकि उसे अपने आप को साबित करना है और उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि केवल वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके एग्जाम एग्जाम री एग्जाम देकर अपने आप को साबित करे। तो बिल्कुल वही किया, जाना भी चाहिए। तो गाइस वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये बहुत करप्ट सिस्टम है, आप एक बहुत करप्ट सिस्टम के सामने काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उससे लड़ रहे हैं, करप्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं, ठीक है। आप इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही है, ठीक है। अब SSC CGL का प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ वो मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और अभी नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 8 महीने बाद ये न्यूज आ रही है, ठीक, कि एग्जाम कैंसिल होगा। अच्छी बात है, चलिए एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर वही करप्ट लोग फिर इसमें शामिल हो जाएंगे जो पैसे देकर आगे आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उस 8 महीने का भुगतान कैसे किया जाए, गाइस मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि जब आप इस तरह की स्थिति में हो तो बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। कॉन्फिडेंस देखिए बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी नहीं होती है कि कॉन्फिडेंस यहां पर बनता है, लेकिन बनाना पड़ता है, ठीक। अपने आप को चैलेंजिंग रखना पड़ेगा, अपने अंदर वो आग, वो एनर्जी बरकरार रखनी पड़ेगी, क्लियर, क्योंकि आपको सफलता हासिल भी तो करनी है, ठीक है। और वो सफलता केवल आप तक सीमित नहीं है, आपकी पूरी फैमिली तक सीमित है, आपके उस समाज से तक है जहां आप, जिस समाज में आप पल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको वो एनर्जी बरकरार रखनी पड़ेगी और उस कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा। मेरी तरह मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा और फिर उस 2013 के एग्जाम को दिया, 2013 का एग्जाम बीट किया, ठीक है, उसमें ही फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। फिर 2014 का एग्जाम दिया, उसमें ही मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं किसी को मोटिवेट करता हूं तो कोई ऐसे ही मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ वो सिचुएशन आई है, वो प्रॉब्लम्स मैंने ही फेस की हैं। सेम प्रॉब्लम जब आपके सामने है, मैं तो आपका एक मोटिवेटर बनकर आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं कि आप किस तरह से उन प्रॉब्लम से निकल कर आगे आ सकते हैं। तो बिल्कुल अपने अंदर वो आग बनाए रखें और तैयारी पे लगे रहें, ठीक है। डेफिनेटली सफलता तो आप हासिल कर लेंगे, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं, आप वो होनहार स्टूडेंट हैं, आप वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो उस नौकरी के लिए बने हुए हैं, जो उस सरकारी नौकरी के लिए, वाकई में हक आपका ही है। तो देर से ही भले ही देर से आपको मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है। तो बिल्कुल होप ना छोड़ें और अपने उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रख के प्रिपरेशन करते रहें। गुस्सा आता है, आएगा, कोई नहीं, आता है फिर चला भी जाएगा, लेकिन अपने उस कॉन्फिडेंस पर बिल्कुल भी वो असर ना पड़ने दे, ठीक है। फिर से अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, फिर से एक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं मानता हूं कि अप्रैल मार्च से लेकर नवंबर तक का समय, ठीक है, 8 महीने का समय आपने स्पेंड किया है, तो सीधी सी बात है उसमें पढ़ाई तो कुछ की ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, ठीक है। पढ़ने वाला भी स्टूडेंट कभी खाली नहीं बैठता है ना, वो कोशिश करता रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोशिश करता रहता है। और फिर भी और कुछ स्टूडेंट ने तो वैसे भी 2018 के SSC एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन अपनी जारी रखी ही होगी, क्लियर। तो अच्छा है, देखिए 2017 का एग्जाम देंगे, 2018 का एग्जाम आप देंगे, और फिर 2019 भी, मैं मानता हूं कि 2019 खत्म होते होते वो भी आना ही है। तो एक साथ 3 अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बस अपनी तैयारी को अपने उसी अंदाज में, उसी एनर्जी के साथ, उसी ग्रेस के साथ, ठीक है, उसी ऊर्जा के साथ बस करते रहें, क्लियर गाइस। तो थोड़ी सी यही एनर्जी और यही पावरफुल वीडियो आपके लिए लेकर आनी थी, क्योंकि थोड़ा सा जब ऐसी सिचुएशन आती है, एग्जाम की सिचुएशन आती है, ना केवल SSC एग्जाम, केवल SSC एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है, यूपी पुलिस में भी अभी ऐसी ही सिचुएशन आई,
ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ, सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ और 3 महीने बाद वो पेपर फिर से दोबारा हुआ है, ठीक है। तो सभी के साथ लगभग सभी हर तरह का स्टूडेंट इन चीजों से गुजर रहा है। तो इनमें बस यही है कि अपने आप को पूरी तरह से ध्यान रखें इन सारी चीजों का और अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखें, ठीक है। अगर आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं, आप बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। अगर आपको खुद पर बिलीव है, ठीक है, आपकी खुद की विल पावर अगर मजबूत है तो आप बहुत बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। क्लियर गाइस? तो आई होप कि आपको मेरी बातें सारी समझ में आई होंगी, आप इन पर अमल करेंगे और बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में नहीं घबराएंगे और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।